ये है mahindraguru.com की फ्रॉम मार्च फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं न्यूज फीवर, सबसे पहले और सबसे तेज खबर। आइए चलते हैं 13 जून 2016 की पहली सुर्खी पर। भारत के लिएंडर पेस विश्व के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी होंगे और पहले भारतीय होंगे जो ओलंपिक्स में सातवीं बार हिस्सा लेंगे। 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में टेनिस सिंगल्स में पेस ने कांस्य पदक जीता था। अगर बात करें तो सातवां ओलंपिक्स भी है और इनके साथ ही साथ कई और हमारे मेडल के होपफुल्स भी इस बार हिस्सा लेंगे, चाहे वो अभिनव बिंद्रा ही क्यों ना हो जो इस बार ध्वजवाहक थे, या फिर एमसी मैरी कॉम, जिनकी लोकल कोशिश चल रही है कि उनको भी हम इस ओलंपिक में हिस्सा दिलवा पाएं। अगर सवाल की बात करें, जो सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सात ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन जाएगा? इसका उत्तर है विकल्प 4, लिएंडर पेस। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक कॉन्टेस्ट की घोषणा की जिसके तहत 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिसका लोगो और टैगलाइन भारत डाक भुगतान बैंक के लिए चुना जाएगा। इच्छुक अपने डिजाइन MyGov पोर्टल पर 9 जुलाई 2016 तक जमा कर सकते हैं। तो आपके पास एक मौका है यहाँ पर 50,000 रुपए और साथ ही में कह सकते हैं सम्मान पाने का। तो आइए देखते हैं सैंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। सूचना प्रसारण मंत्री ने किस संस्थान या परियोजना के लिए एक कॉन्टेस्ट की घोषणा की है जिसके तहत लोगो और टैगलाइन को चुना जाएगा? इसका उत्तर है भारत डाक भुगतान बैंक। आइए चलते हैं अगली सुर्खी पर। सलामी बल्लेबाज टीएल राहुल एक दिवसीय क्रिकेट में अपने पहले ही मैच शतक चढ़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जब उन्होंने 115 गेंदों पर 100 रन की अविजित पारी जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी श्रृंखला के पहले मैच में खेली। विश्व में ऐसा करने वाले वह 11वें बल्लेबाज भी इसी के साथ बन गए हैं। बात करें तो केएल राहुल से पहले ये रिकॉर्ड जो था भारत के लिए सर्वाधिक स्कोर का वो था रॉबिन उथप्पा के पास, करीब 80 के करीब रन बनाए थे उन्होंने, पर अब ये रिकॉर्ड है केएल राहुल के पास। उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली की तरह यह भी आगे चलकर भारत का नाम रोशन करें और आगे इनसे और शतकों की हम उम्मीद कर सकते हैं। आइए अगर देखें सवाल क्या बन सकता है। पहले ही एक दिवसीय मैच में शतक लगाने वाले पहले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? इसका उत्तर है विकल्प 5 जो है केएल राहुल। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा का 86 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया है। मल्होत्रा ने द टाइम्स ऑफ इंडिया और द स्टेट्समैन जैसे कई अखबारों में काम किया है। वही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी समेत कई किताबों में लिखी हैं। तो देखा जाए तो ऑब्विसली जो सेक्शन होता है उसके लिए यहाँ पर एक खबर है। आइए हम देखते हैं सैंपल क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार की मृत्यु हुई हो गई है जिन्होंने इंदिरा गांधी पर एक किताब लिखी थी? इसका उत्तर है इंदर मल्होत्रा। आइए चलते हैं अगली सुर्खी पर। IIT और प्रीमियर इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित IIT संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस की परिणाम घोषित हो गए हैं। परीक्षा में जयपुर के अमन बंसल ने टॉप किया, हरियाणा के भावेश ढिंगरा दूसरे स्थान पर रहे और जयपुर के कुणाल गोयल तीसरे स्थान पर रहे। उम्मीद करते हैं कि इनका भविष्य बड़ा उज्ज्वल हो, आने वाले समय में भारत का नाम भी रोशन करें अलग अलग विधाओं में। अगर सवाल की बात करें, जयपुर के 2016 की IIT और प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त IIT परीक्षा में किसने टॉप किया एडवांस्ड परीक्षा में? उसका उत्तर है श्री अमन बंसल जो है विकल्प 1। आगे बढ़ते हैं सुर्खी पर। रूस ने कुंभकुलम ऊर्जा संयंत्र के स्थल निदेशक RS सुंदर को ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें तमिलनाडु में रूस के सहयोग से बन रहे परमाणु संयंत्र में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। तो देखा जाए तो बहुत ही गर्व की बात है भारत के सभी भारतवासियों के लिए भी कि मिस्टर या कह सकते हैं श्री RS सुंदर जी को ये सम्मान मिल रहा है। आइए देखते हैं हमारा सैंपल क्वेश्चन है वो। निम्नलिखित में से किसको ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से सम्मानित रूस ने किया है? उसका उत्तर है RS सुंदर। आइए चलते हैं अगली सुर्खी पर। चलिए आखिरी खबर। भारतीय लघु फिल्म लीचेस ने सियोल अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह SWIFF में ऑडियंस चॉइस अवार्ड जीता। ध्यान रहे कि इसमें जो रोल प्ले किया है वो रोल प्ले किया है सियाली जी ने, जो उसकी मुख्य प्रोटैगनिस्ट हैं, और ये जो एक फेस्टिवल है ये वुमन एम्पावरमेंट के लिए है, तो उस तर्ज पर इस मूवी को सही मार्क मापा गया कि हाँ ये मूवी ऑडियंस चॉइस अवार्ड के लायक है। अगर सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सियोल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑडियंस चॉइस पुरस्कार नवाजा गया? इसका उत्तर है विकल्प 3 जो है लीचेस। ऐसी के साथ आज की सुर्खी को यहाँ अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ये सुर्खियाँ हैं वो सवालों के रूप में आने वाले इम्तिहान में, चाहे वह SBI PO मेंस हो या क्लर्क मेंस हो, उसमें दिखेंगे आपको। उम्मीद ये भी करते हैं कि आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, पसंद कर
कर रहे होंगे, चाहे वो हाउ टू, चाहे वो रीअरेंजमेंट का बहुत ही पॉपुलर वीडियो हो, चाहे वो हाउ टू लर्न जनरल स्टडीज़ हो, हाउ टू लर्न TPMS इंटरनेट इन 9 मिनट्स हो। तो हमने कोशिश की है कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की। कंटेंट के मामले में भी हमने जो पेपर कल गुजरा 12 जून को UIIC का, उसका भी एक बूस्टर जारी किया था। तो इन सबके साथ हमारी एक ही मंशा है और एक ही हमारा मोटो है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।